पूर्वी चंपारण के बाढ़ पीड़ित अब प्रशासन की कार्यशैली से तंग आकर सड़क पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। मोतिहारी के ढाका प्रखंड कार्यालय के सामने ग्रामीण हंगामा कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि ढाका अंचलाधिकारी अशोक कुमार बाढ़ में डूबे इलाकों को बाढ़ प्रभावित घोषित करने के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं, इसीलिए बाढ़ प्रभावित सैकड़ों परिवार प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीण अंचलाधिकारी को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों का कहना है कि हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है और अधिकारी हमसे रिश्वत मांग रहे हैं। पक्षपात रवैया के चलते पूरा प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है, उसके बावजूद भी एक जगह न पोलोथिन बटा, रात में बारिश में लोग घर से बाहर रहने पर मजबूर है। इसके द्वारा अलाल दलाल को सिर्फ रखा गया है और सब जगह एक सब जगह कह रहा है रसोईया का व्यवस्था कराया गया, लेकिन ढाका में एक जगह दो जगह छोड़ के कहीं नहीं कोई रसोईया का व्यवस्था कराया गया, न कोई खाना का व्यवस्था कराया गया। सीओ ढाका सीओ को अभी जिला प्रशासन पदस्थ करे और उसके जगह पर दूसरा सीओ का प्रभार दे और यहाँ पूरे प्रखंड को बाढ़ राहत घोषित करे। यही मांग के साथ सब लोग हम लोग रोड जाम किए हैं, क्योंकि कोई प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरन आम जनता के साथ, पूरे प्रखंड के आम जनता के साथ हम लोग रोड पर बैठे हैं। आई अनिश्चितकालीन के लिए रोड जाम रहेगा।